बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स। इट्स अ साइंस क्लास एंड वी आर स्टडिंग द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस विच इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। एंड सो फार वी हैव स्टडीज अबाउट एलिमेंट्स, एटम्स, सिंबल्स एंड मिक्सचर एंड यूजेस ऑफ मिक्सचर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूजेस ऑफ कंपाउंड्स एंड द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स। द फर्स्ट इज यूजेस ऑफ कंपाउंड्स। सबसे जो कॉमन और वाइटल कंपाउंड जो आपने देखा है और फ्रॉम वेरी बिगनिंग हम यूज़ कर रहे हैं और वो जो इस प्लैनेट पे ज़िंदगी का सबब है, इट इज़ कॉल्ड वाटर। वाटर जो है वो एक कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट्स जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन के एटम मिल के वाटर बनाते हैं। इसके अलावा हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे कंपाउंड्स मौजूद हैं। कंपाउंड के डेली बेसिस पे बहुत सारे हम यूज़ कर रहे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस हर फॉर्म में हम यूज़ कर रहे होते हैं। प्लास्टिक बकेट, प्लास्टिक के आपके घर में जो है वो बहुत सारे बकेट्स या और बर्तन वगैरह मौजूद होते हैं। ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। यानी ये दो ही चीज़ें मिलके डिफरेंट रेशो से जब ये कंबाइन होती रहती हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी चेन्स यानी बहुत सारे सी एच जो है वो इसमें शामिल होते हैं इस कंपाउंड में, जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम कॉमन बहुत यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड चॉक है, ये एक कंपाउंड है जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, जिसमें हमारे पास कैल्शियम सल्फर, कैल्शियम सल्फर और हमारे पास ऑक्सीजन, इन चीज़ों का ये मिलके, ये तीनों मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। इसके अलावा लाइमस्टोन या जो ट्रू चॉक जो यानी नेचर से जो माइन से निकलती है, उसका फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये तमाम चीज़ें हमारी कॉमन यूज़ में आती हैं। इसके अलावा और भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि हम यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। उसमें मौजूद एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपको पता है प्लांट्स के लिए कितनी नेसेसरी होती है अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए, और ये हम जो एक्सहेल कर रहे हैं, जो सांस हम जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी ये मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या क्या हमारे पास मौजूद होता है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद हमारे पास मीथेन, मीथेन में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन। अब ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो ही एलिमेंट्स आपस में मिलके इतने अनकाउंटेबल जो प्रोडक्ट्स या कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, ये दो एलिमेंट्स मिलके इतने अनकाउंटेबल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं जिनमें गैसेस भी शामिल हैं, सॉलिड्स भी शामिल हैं, लिक्विड भी शामिल हैं, और जिनकी कंपोजिशन और जिनकी प्रॉपर्टीज सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट भी होती हैं। अब ये जो मीथेन है, इसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। ये जो हमारे घरों में चूल्हे में जो आग जो जला रहे होते हैं, हम कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं गैस, ये मीथेन गैस होती है और ये उसका फार्मूला है CH4, इसका फार्मूला होता है CH4, लाइक ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा जनाब, इसके बाद है मेरे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इसको सिंपल शुगर भी कहते हैं। और इसके बाद आप देखिए सक्रोज यानी कि टेबल शुगर, जो चीनी हम अपने घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, हमारी कुकिंग में, हमारी चाय में, हर चीज़ में जो चीनी यूज़ होती है, ये सक्रोज है। और ग्लूकोज जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा आपने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन वगैरह देखा होगा, जो एनर्जी के लिए हम फायदा पे ग्लूकोज की जो ड्रिप लग रही होती है, ये वो वाला ग्लूकोज है। और आप देखिए इन दोनों में सेम आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनकी कंपोजिशन चेंज है। अब जो पहली वाली है हमारी ग्लूकोज, उसका फार्मूला है हमारे पास C6H12O6। ये जो ग्लूकोज या सिंपल शुगर है जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस ये मॉलिक्यूल्स है जो वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और दूसरी हमारे पास है सक्रोज। इसका फार्मूला हमारे पास है C12H22O11। देखिए, लेकिन ये कि ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कंपाउंड्स हैं, दोनों की कंपोजिशन भी काफ़ी हद तक डिफरेंट है। इसके बाद मेरे पास सोडियम क्लोराइड या कि कॉमन सॉल्ट, इसका भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है जो कि कॉमन यूज़ हम करते हैं। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसके बाद है हमारे पास कॉपर सल्फेट, जिसका
CuSO4। और उसके बाद आ गई हमारे पास अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, और ये मैं आपको अमोनिया के बारे में बता चुकी हूँ। अमोनिया जो है हमारी रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है, तो ये वो कुछ कॉमन कंपाउंड्स है जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सेपरेटिंग मिक्सचर्स में। जैसा कि मैंने आपको जब मिक्सचर्स कंपाउंड्स पढ़ाया था, उसी टाइम मैंने आपको इस बारे में बताया था कि कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं, जो कॉम्पोनेंट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, वो केमिकली कंबाइन होते हैं, लिहाजा उनको वापस करना, उनको वापस हासिल करना आसान नहीं होता, या तो वो इम्पॉसिबल होता है या फिर बहुत मुश्किल से उनको आप अलग कर सकते हैं। जैसा कि आयरन, आपको पता है आयरन अगर ओपन एयर में छोड़ दिया जाए तो हवा में जो मॉइस्चर मौजूद है या अगर पानी है उसको लग जाता है तो फौरी तौर पे उससे रस्टिंग हो जाती है। अब जो रस्टिंग होती है तो ये आयरन क्या बन जाता है, आयरन के ऊपर एक लेयर आ जाती है, आयरन का फॉर्मूला हमारे पास Fe होता है, तो वो क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड। अब जो बन जाता है वो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। अब जो इसमें हमारा जो आयरन था, अब जब आप आयरन के ऊपर जो रस्टिंग हो गई है तो ये जो आयरन है अब आप उसको किसी सूरत वापस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि एम्प्री पेपर वाला की मदद से आप अपर लेयर को रब करके साफ कर दें तो जो बाकी का आपका अंदर का आयरन है वो सही से दोबारा उसी तरह से शाइनी सा निकल आए, लेकिन जो आयरन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया वो अब चला गया रस्टिंग की सूरत में, वो आप दोबारा वापस हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जो हमने पढ़ा था कि मिक्सचर में चुके जो प्रोडक्ट्स, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, सॉरी जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसके मिक्सचर के, वो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, लिहाजा आप उनको आसानी से अलहदा कर सकते हैं और उनको सिंपल फिजिकल मेथड्स की मदद से उनको वापस हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है, फिल्ट्रेशन जो है उसमें हम डिफरेंट जो यानी चीज़ें जो कि सॉलेबल नहीं होती, लाइक जो कि यानी पानी में डिजॉल्व नहीं होती, लाइक आप कह सकते हैं सैंड है, और सैंड के अलावा जैसे आपका चिली पाउडर है, या आपकी जो किचन की और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जैसे कोरिएंडर पाउडर है, या मट्टी है, या चौक है, ये चीज़ें जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। अगर आप इनको देखें पानी में, आप उसको मिक्स करें, आप पानी में इनको डाल के चम्मच अगर हिलाएंगे तो पानी का कलर आपको स्लाइटली चेंज होता हुआ फील ज़रूर होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे आप देखेंगे कि वो जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीज़ आपने डाली थी वो उसमें सेटल डाउन हो जाता है। और अगर सेटल डाउन नहीं भी हो रहा तो भी आप उसको आसानी से अलहदा कर सकते हैं। उसका क्या तरीका होता है, फिल्ट्रेशन कहलाती है। फिल्ट्रेशन की कॉमन, वेरी कॉमन एग्जांपल जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर दोबारा बता देती हूँ, जो हम लोग घरों में चाय बनाते हैं और जब चाय को हम छानने के लिए एक सीव यूज़ करते हैं, और उससे क्या होता है कि उसकी जो पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है और बाकी जो लिक्विड है वो सारा का सारा नीचे चला जाता है। तो फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम वो चीज़ें जो सॉल्युबल नहीं होती, अनसॉल्युबल थिंग्स को हम अलग कर सकते हैं, लाइक मिट्टी वगैरह। इसके लिए क्या तरीका होता है कि आप फनल के अंदर एक फ़िल्टर पेपर, ख़ास पेपर होता है, उसके अंदर बहुत फाइन पोर्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक सुराख होते हैं, ठीक है, वो आप इसके अंदर जो है लगा देते हैं उसको, यानी आप यूँ समझें कि लाइक ये अगर आपका फ़िल्टर पेपर है, ये इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, तो उसको आप फोर फोल्ड करके और फिर आप उसको इस तरह से उसका वो आपको गोल मिलेगा इंशाल्लाह। जब आप स्कूल खोलेंगे तो हम ये प्रैक्टिकल करेंगे ज़रूर, तो उसको इस तरह से बना के जैसे आप लोग किश्ती बनाने के लिए शुरू में बनाते हैं ये करके, तो फिर हम इसको रख देते हैं अपना फनल के अंदर रख देते हैं। इसमें देखिए ख्याल रखिए कि सुराख वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा मिक्सचर था वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है वो ड्रॉप करते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी है या चौक है या चिली पाउडर या जो भी कोई अनसॉल्वेबल थिंग है वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है और पानी जो है बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर जो है वो नीचे चला जाता है। अब अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी जो कि डिसॉल्व हुई है तो एक अलग बात है, तो बस जो अनसॉल्वेबल चीज़ें हैं वो सारी इसके ज़रिए हम आसानी से अलहदा कर सकते हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो है फिल्ट्रेशन का तरीका जो है पानी को साफ़ करने के लिए भी फिल्टर प्लांट्स लगाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं
यहाँ पे एक फिल्टर प्लांट दिखाया गया है जिसमें आप क्या क्या चीज़ें देखें आपको यूज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। ग्रेवल, ग्रेवल कहते हैं छोटे कंकर, बारीक पत्थर, इसके ऊपर सैंड की लेयर होती है और उसके ऊपर जो है वो कोल की लेयर होती है, उसके ऊपर ट्रफ होता है। तो यहाँ से जब पानी डाला जाता है उसी पेज होता होता आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे आता है तो वो ट्यूब्स में पहुँच जाता है और बिल्कुल क्लियर होता है और तमाम जो उसकी कचरा वगैरह होता है वो इसमें रह गया होता है। इसके अलावा आपने बाइक्स वगैरह में या कार्स वगैरह में एयर फिल्टर या फिर ऑयल फिल्टर वगैरह का नाम सुना होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाड़ियों का एयर फिल्टर होता है। इसका काम क्या होता है कि हवा में, क्योंकि हमें मेरे ख्याल कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बर्निंग के लिए इवन कि गाड़ियों में भी जो हम फ्यूल कंज्यूम कर रहे होते हैं उसको, उससे एनर्जी हासिल करने के लिए टू ऑब्टेन एनर्जी वी नीड ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से आती है, ज़रा हमें हवा से मिल रही होती है, लेकिन अब जो हमें पता है कि हवा जो है वो क्या है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें बहुत सारी जो है वो गैसेस हैं जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और इसके अलावा और बहुत सारी गैसेस, वाटर वेपर्स और इसके अलावा तो बहुत सारी जो है वो पॉल्यूशन भी मौजूद होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। तो अब अगर ये तमाम चीज़ें जो है वो डायरेक्टली इंजन तक पहुंच जाएं, क्योंकि इंजन को हमने पढ़ा कि हवा की ज़रूरत होती है, हवा नहीं होगी तो इंजन में वो उसकी वर्किंग नहीं करेगा, वो यानी फ्यूल को, फ्यूल से एनर्जी जो ऑब्टेन करने का काम वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए लेकिन अगर ये तमाम की तमाम हवा ऐसे ही पहुंच जाए तो वो इंजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, वो डस्ट पार्टिकल वहाँ पे डिपॉजिट होके उसको जो है वो ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए ये एयर फिल्टर लगाया जाता है। इसी तरह से ऑयल फिल्टर भी लगाया जाता है। ऑयल फिल्टर के जो है वो लगाया जाता है उन पार्ट्स में जो आपस में क्लोइड हो रहे होते हैं, वहाँ पर फ्रिक्शन हो रही होती है और वहाँ पर अक्सर जो है वियर एंड टियर या जो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी उसमें मौजूद हो सकते हैं या डस्ट पार्टिकल भी आ सकते हैं। तो ये जो एयर फिल्टर होते हैं, इनका एयर फिल्टर या ऑयल फिल्टर का काम क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये इनको रोकते हैं और कुछ अर्से के बाद फिर इन एयर फिल्टर को, क्योंकि ये फिल अप हो जाते हैं, इनको चेंज करना पड़ता है। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अनसॉल्वेबल सब्सटेंसेस को अलहदा करते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई कि ये जो इसमें ऊपर जो रह जाता है, ये इसमें ऊपर जो भी हमारा सॉलिड जो रह गया था उसको हम रेजिड्यू कहते हैं और जो पानी नीचे चला गया हमारा साफ होके उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रोसेस है हमारे पास एवोपरेशन। वैसे तो दो और भी है लेकिन आज हम इंशाल्लाह सिर्फ ये दो ही पढ़ेंगे। एवोपरेशन क्या होता है, जैसा कि इसको इसके नाम से शायद आपको समझ में आ रहा हो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेपर्स। आपको पता है कि पानी है या जो भी चीज़ है लिक्विड्स, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, बल्कि पानी या लिक्विड्स के अलावा और सॉलिड भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने ख़ास टेम्परेचर को ऑब्टेन करने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एवोपरेशन क्या होती है, एवोपरेशन वो प्रोसेस है जिसकी मदद से, जैसे कि मैंने बताया फिल्ट्रेशन तो अनसॉल्वेबल थिंग्स के लिए था, तो एवोपरेशन उन चीज़ों के लिए, उन मटेरियल्स के लिए जो कि पानी में डिसॉल्व हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पानी जो है उसमें अगर आप नमक मिला लेते हैं, आपको पानी जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा और नमक उसमें बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी मिक्सचर ही रहता है क्योंकि नमक अपनी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ सस्टेन करता है और जो पानी है उसकी वो तमाम प्रॉपर्टीज़ उसमें वो मौजूद होती हैं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होता, लिहाजा मिक्सचर जो है पानी और नमक जब मिलाया जाता है तो वह मिक्सचर बनता है। और मैंने आपको ये भी एक मिसाल दी थी कि समंदर का जो पानी है वो भी मिक्सचर की एक बहुत कॉमन और जो है वो एक एग्जांपल है। तो अब एवोपरेशन के ज़रिए हम किस तरह से जो है वो हासिल कर सकते हैं जो चीज़ें सॉल्व हो डिज़ोल्व हो चुकी हैं। जैसे कि आपको पता है तमाम जो चीज़ें होती हैं उनका अपना एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपके पास, आप लोगों ने देखा होगा कॉमन फ्रिज में आप बर्फ़ पानी रख देते हैं वो बर्फ़ बन जाता है, जब आप उसको निकाल के बाहर रख देते हैं तो वो थोड़ी देर में क्या होता है दोबारा से मेल्ट होके पानी बन जाता है। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब बर्फ जो है हमारे पास ज़ाहिर है सॉलिड फॉर्म में होता है ना, जब हमने उसको बाहर निकाला वो रूम टेम्परेचर पे आया, जैसे जैसे उसकी जो है वो उसकी जो उसके अंदर ठंडक थी वो उसमें से निकली तो वो क्या हुआ मेल्ट होके दोबारा से पानी बन गया। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है,
वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। उसके बाद मैं जिक्र कर रही हूँ इसमें बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसको गेन करने के बाद कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल आपने देखी होगी, घरों में अक्सर खाना जो है वो चूल्हे पे रख के मामा भूल जाएं तो वो जल जाता है। वो खाना क्यों जल जाता है, क्योंकि उसमें मौजूद जितना भी पानी है वो वेपर्स बन के उड़ जाता है। अगर आपने कभी देखा हो मामा ने गर्म गर्म पतीली पे से जब ढक्कन हटाती हैं, जो उसका लिड हटाती हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जो है वो गर्म गर्म पानी नज़र आ रहा होता है। वो पानी कहाँ से आता है, जो खाना पक रहा था ज़ाहिर है उसमें कहीं ना कहीं पानी मौजूद होता है, पानी हमने यूज़ किया होता है। अगर हमने खुद से यूज़ नहीं भी किया तो जैसे गोश्त है या सब्जियां हैं उनका अपना पानी मौजूद होता है, तो वो पानी जो है वो वेपर्स बनके जब वो गर्म होता है वो वेपर्स बनके उड़ता है, और जब वो लिड के ऊपर लिड की ठंडी सतह से टकराता है तो वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जैसे आपने चाय वगैरह का पानी रखा होता है और वो आप रख के भूल जाएं तो वो बिल्कुल ऐसा होता है कि वो बिल्कुल पानी सिरे से गायब ही हो जाता है, तो वो सारा का सारा पानी कहाँ चला जाता है, इनफैक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होके हवा में शामिल हो जाता है। तो एवोपरेशन में क्या होता है, अगर आप नमक में पानी मिक्स करें, आप आधा कप जो है वो पानी लें और उसमें 3-4 चम्मच या थोड़ा सा नमक आप उसमें डालें और उसको चूल्हे पे पकने के लिए रख दें, या फिर आप किसी कप वगैरह में किसी मग में लेके उसको कहीं धूप में खुले में रख दें, बारिश ना हो रही हो बस, तो आप उसको कहीं खुले में रख दें, तो एक दो दिन के बाद आप देखेंगे कि पानी उसमें से सारा का सारा उड़ चुका होगा और जो नमक है वो उसके बॉटम में रह जाएगा। इसी तरह से ये आप अपने चूल्हे के ऊपर भी कर सकते हैं, आप आधा कप पानी लें, उसमें आप 2 चम्मच आप नमक डिजॉल्व करें और उसको आप पकने को रख दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे पानी जब सारा उसका वेपर्स में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा तो सॉल्ट उसके नीचे रह जाएगा। तो ये कहलाता है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या है, वो तरीका जिसकी मदद से हम जो डिजॉल्व जो मटेरियल्स हैं, वो सब्सटेंसेस जो पानी में या किसी और सॉल्यूट में डिजॉल्व हो जाती हैं, किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाती हैं, उनको जो है अलहदा करने के लिए एवेपोरेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये क्या बने हुए हैं, ये बहुत बड़े बड़े साल्ट पैन बने हुए हैं। इनमें क्या किया जाता है, जैसे मैंने आपको समंदर के पानी की एग्जाम्पल दी थी, तो इसमें बहुत सारा नमक मौजूद होता है। समंदर के पानी को पिट्स में जमा करके उसको खुश्क किया जाता है, यानी खुश्क करने के बाद ही उसको खुला छोड़ दिया जाता है, पानी वेपर्स बन के उड़ जाता है और फिर जो वो नीचे नमक रह जाता है उसको निकाल के बड़े बड़े पैंस में रख के उसको टोटली ड्राई कर लिया जाता है। इस तरह हम समंदर से नमक हासिल करते हैं। अच्छा जनाब, बाकी के दो प्रोसेस हैं वो इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट वीडियो में करने हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हम वर्क देख लेते हैं इसका जो आप लोगों को खुद करना है। और वो है पेज नंबर 55 पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रुप द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू एलिमेंट्स मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। अब नाम मैं बता रही हूँ, सल्फर, वाटर, इंक, एयर, हाइड्रोजन, मर्करी, टेबल सॉल्ट, ग्लूकोज, सी वाटर, सोडियम, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, कॉपर सॉइल, मिल्क, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स। ठीक है, ये चीज़ें तमाम आपने मेरी वीडियोस में कॉमन इनके नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो आप ये मिक्सचर्स और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की अगर हेडिंग में आप देखें तो ये सारी आपको एग्जांपल वहाँ मिल जाएंगी। आपने करना ये है, आपने क्वेश्चन लिखना है ये, उसके बाद आपने 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है एलिमेंट्स, सेकेंड कॉलम आपका मिक्सचर्स और थर्ड कॉलम आपका कंपाउंड। ये क्वेश्चन आप पूरा लिखेंगे, उसके बाद आप कॉलम बनाएंगे और जो आपके ख्याल में एलिमेंट्स हैं आप उनको एलिमेंट्स में, जो मिक्सचर्स हैं उनको मिक्सचर के कॉलम में, और जो कंपाउंड्स हैं उनको कंपाउंड्स के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन है, इन द लेफ्ट हैंड कॉलम आर द मीनिंग्स ऑफ सम की वर्ड्स इन साइंस, इन द राइट हैंड कॉलम आर द की वर्ड्स बट दे आर मडल्ड अप, कैन यू मैच ईच डेफिनेशन टू द वर्ड इट रेफर्स टू। अच्छा जनाब, अब ये देखते हैं, अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, इसको आप मैच करेंगे, नंबर 2 सामने एटम है, मटेरियल दैट इज मेड ऑफ ओनली टाइप ऑफ एटम, जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, इट इज कॉल्ड एलिमेंट। नंबर 3 जो सामने है,
इसके बाद है द सब्सटेंस मेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के साथ जो चीज़ बनती है उसको हम कंपाउंड कहते हैं. नंबर फोर पे है अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स एलॉय. ये रहा हमारे पास नंबर वन पे एलॉय है. अ वन और टू लेटर कोड यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट. सिंबल होता है ये और सिंबल है हमारे पास नाइन नंबर पे. इसके बाद है द केमिकल यूज अप ड्यूरिंग अ रिएक्शन. अच्छा जरा ये हो चुका है, ये हो चुका है और ये हो चुका है, लेकिन इनमें कोई नाम ऐसा नहीं लग रहा. चलिए आगे देखते हैं. द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड सॉल्यूट. ये है नंबर एट. इसके बाद है द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन अ फिल्टर रेजिड्यू. मैंने आपको बताया था अभी इसके बारे में. ये नंबर फाइव. इसके बाद है कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स दैट हैव बीन जॉइंड टुगेदर बाय अ केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड. नहीं, एक मिनट. Contain two or more elements that have been joined together by a chemical reaction. सही, ये compound ही होगा. मैंने compound कहाँ करवा दिया फिर से पहले. The substance made during a chemical reaction. Sorry, it is product. कहाँ गया हमारा? Number seven. The substance made during a chemical reaction. Or contain two or more elements that have been joined together by a chemical reaction. सही, ये कंपाउंड है और सब्सटेंस मेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ये प्रोडक्ट है. अब ये हमारा रह गया है द केमिकल यूज अप ड्यूरिंग अ रिएक्शन. ये मॉलिक्यूल नहीं होगा बेटा, ये होगा रिएक्टेंट. आर ई ए सी टी ए एन टी. ये आई थिंक मिस प्रिंट हो गया है. ये रिएक्टेंट होगा क्योंकि रिएक्टेंट्स होते हैं और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट बनती है. सब्सटेंस मेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट होती है और रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं. तो ये आप इसको मॉलिक्यूल को रिएक्टेंट कर लीजिए और ये मैच करेंगे आप नंबर सिक्स. ठीक है जनाब. इसके बाद हमारे पास एक और है. तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेबल ब्लो shows the element that go to make up a typical human body. Notice that most of them are non-metals. इनमें ज़्यादातर non-metal हैं और ये तमाम जो है हमारे body को यानी हमारे body की composition में शामिल हैं. Calcium है हमारे पास 1.35 किलोग्राम, carbon 12.15 किलोग्राम, chlorine 0.01 किलोग्राम, hydrogen 6.75 किलोग्राम, मैग्नीशियम जो कि मेटल है 0.03 किलोग्राम, नाइट्रोजन 2 किलोग्राम, ऑक्सीजन 44 किलोग्राम, फॉस्फोरस 0.6 किलोग्राम, पोटेशियम 0.2 किलोग्राम, सोडियम 0.1 किलोग्राम एंड सल्फर 0.2 किलोग्राम. अच्छा जनाब, ये जो है ये सारे के सारे एज इट इज़ नहीं पाए जाते हैं. डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सूरत में पाए जाते हैं. लाइक अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन ऐसे गैस की फॉर्म में नहीं पाई जाती. हमारी जो है ज़ाहिर ये हाइड्रोजन के साथ मिलके ये वाटर बना के और वाटर की फॉर्म में ही पाई जाती है. लाइक ब्लड के अंदर है हमारे सेल का महल में सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी 90% वाटर में शामिल होता है. हमारा जो ब्लड है उसमें भी जो है वो वाटर शामिल होता है. तो हमारी तमाम बॉडी के अंदर डिफरेंट जो वाटर है और हम पढ़ चुके हैं कि वाटर में ऑक्सीजन मौजूद होती है तो ये उसमें है. ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं पाई जाती. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस हैं हमारे पास. विथ थ्री एलिमेंट्स डज योर बॉडी कंटेन मोस्ट ऑफ. अच्छा जनाब, क्वेश्चन वन. विच थ्री एलिमेंट्स डज योर बॉडी कंटेन मोस्ट ऑफ. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन से तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं? मेरा ख्याल है कि आप लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो हमें ज्यादा क्वांटिटी में नजर आ रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आपने यानी क्वेश्चन लिख के उनका नाम लिखना है तीनों का. सिंपली नेम लिखने हैं आपने उनके ना. उसके बाद है अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ साइज विद द लार्जेस्ट मास ऑफ द टॉप एट द टॉप ऑफ योर लिस्ट. अच्छा जनाब, उसके बाद आपने इनको इनकी यही सारे नाम लिखने हैं
लेकिन सबसे पहले आपने लिखना है, यानी इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे ऊपर आपने कौन सा नाम लिखना है वो नाम लिखना है जो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा हम लिख लेते हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास लिखेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास जो सबसे ज्यादा है वो है ऑक्सीजन, वो लिखा। उसके बाद आपके पास, हमारे पास उसके बाद है कार्बन, ठीक है। ये सारे आपने नाम लिखने हैं। सबसे लास्ट में कौन सा आएगा जो कि सबसे कम है, और वो है हमारे पास क्लोरीन। सबसे लास्ट में आप नाम लिखेंगे क्लोरीन का, बाकी सारा आपने इसको खुद इन ऑर्डर कर लेना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड द टेबल अबव। अब ये जो ये एवरेज, ये हर एक का नहीं होता इतना, जाहिर है कुछ का इससे बहुत कम होता है, कुछ का इससे कहीं ज्यादा होता है, लेकिन ये एक एवरेज, एक नॉर्मल, एक हाइट और नॉर्मल एक सेहत के इंसान की ये एवरेज जो है वो वेट बताया गया है। या भी समझ लें कि ये परसेंटेज है कि इस रेशो से पाए जाते हैं, ठीक है जनाब। तो अब आपको मालूम करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि सारे के सारे आपने लिखने हैं, कि 12.15, ये सारे के सारे आप लिखेंगे और इनको प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बॉडी मास कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की आपको परसेंटेज मालूम करनी है जनाब। तो नॉन मेटल्स की परसेंटेज मालूम करने के लिए आसान तरीका हमारे पास क्या है, हमारे पास अब मुझे आपको इसका मास बताना पड़ेगा, इसका टोटल मास क्या है। इसका टोटल मास जो बन रहा है हमारे पास वो है 67.39, ठीक है। ये जो नंबर थर्ड है आप समझ लें कि ये इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ये नंबर थर्ड का आंसर है 67.39। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी इन द टेबल अबव, ये हो गया हमारा इतना। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ द बॉडी मास कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का वजन निकालना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमें पता है ज़्यादातर हमारे पास नॉन मेटल है, तो मेटल्स देख लेते हैं। कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम और है हमारे पास सोडियम। तो हम क्या करते हैं कि हम इनका मास निकालते हैं, टोटल करते हैं। कैल्शियम का है हमारे पास 1.35 और मैग्नीशियम का है हमारे पास 0.03 और सोडियम है हमारे पास 0.10। तो अब हम इनको टोटल करते हैं, 5, 8, 4, 1, ये हमारा आया 1.48। कुछ रह गया है मेरे ख्याल में 38 and 48। एक और हाँ, पोटेशियम भी आप इसमें ऐड कर लीजिए, 0.20। तो ये होगा हमारा 1.68। अच्छा जनाब, अब आपने करना क्या है, हमारे पास था, मैंने आपको बताया मास कितना है, ये 67 टोटल है, 67.39 इसमें से आप माइनस कर देंगे मेटल्स का, मेटल्स इसमें मेटल्स का मास हमारे पास कितना है 1.68, जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। अभी हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आया 65.71। ये क्या है इसमें, नॉन मेटल्स। अच्छा जनाब, क्वेश्चन क्या था हमारा, परसेंटेज ऑफ द बॉडी मास कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की परसेंटेज मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, अब नॉन मेटल्स डिवाइडेड बाय जो टोटल मास है, परसेंटेज का फॉर्मूला मैं आप लोग कर चुके होंगे अब तक क्लास 6 में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, ठीक है। अब ये आप एटलीस्ट खुद कर लेंगे, 65.71 क्या है, हमारे नॉन मेटल्स का मास है जिसको आप डिवाइड करेंगे टोटल मास से, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में लिख लेना है। ओके क्लास, आज तक के लिए इतना ही, और अब दो हमारे जो मेथड्स रह गए हैं, सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन, और है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।